सबसे पहला जो फैक्टर था वो था जी जेनेटिक पोटेंशियल। जेनेटिकली बच्चों की हाइट जो है वो, कुछ के पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बच्चों की भी हाइट लंबी होती है, कुछ के पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो उनके बच्चों की भी हाइट छोटी होगी, और ये कुछ सेंटीमीटर्स तक जो है ना वो अपने पेरेंट्स तक या अपने पेरेंट्स से बढ़ सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने रोशनी डालनी है कि हम क्यों किसी दूसरे के साथ जो है वो उसको मिक्स कप कर लेते हैं। जी सर, पहला फैक्टर जो जेनेटिक्स की आपने बात की है, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि जो आपकी फैमिली में एक एवरेज हाइट होती है वही आपकी एवरेज हाइट होगी। अगर आप देख लें कि यूरोप साइड पे डिफरेंट लोगों की हाइट्स हैं, एशिया में डिफरेंट है, फिलिपीन में आप देख लें हाइट जो है वो डिफरेंट है, तो इसी तरीके से आपकी जो फैमिली ट्री के अंदर जो आपकी जेनेटिक्स में आपकी एक हाइट आ रही होती है आप उसी को अचीव कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको अक्सर लोग कहते हैं कि आपने जो है अपनी हाइट आप बढ़ा सकते हैं, इवन कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट भी कम है फिर भी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे नहीं होता किसी इस तरीके के धोखे में ना। ये एक साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है कि आपकी जो हाइट जो डिटरमाइन करती है वो आपके जेनेटिक्स के ऊपर करती है। थोड़ा बहुत कुछ इंचज़ का फ़र्क आ सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आ सकता।